मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन टाडी वारा कथा कविश्री वारा लाइव कीर्तन देखन लई हुणे सब्सक्राइब करो अते बेल दी घंटी वजाउणा ना भुलणा। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साधना जानिया हर राया, कौ नानक अम नीच करमा, शरण परे के राखो शर्मा, कौ नानक हम नीच करमा, शरण परे के राखो शर्मा। परम सत्कार सन्मान योग युगो युग अटल दीन दुनिया दे मालक जगत जलंधे दे रक्षक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे सुभाएमान गुरु की साजी नवाजी साध संगत जी प्यार सहत फतेह दी सांझ करिए। सारे भाई भाई गज के आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पहले प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी श्री दरबार साहब वालों नाम सिमरन सत्संग श्री अमृतसर साहब वालों लड़ीवार जीवन जुगत समागम आरंभ किए गए सन। पड़ा दर पड़ा ये समागम हो रहे ने और अज का यह समागम तप अस्थान भूरी वाले महापुरखों के अस्थान पे संध्या के समय आरंभ होया है। गुरु के कीर्तनिए भाई अंतरप्रीत सिंह जी ने गुरु की बाणी का रस भिन्ना कीर्तन आपां नूं सरवण करवाया है। अज दा जो विचार है वो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच मनुखता दी महत्ता। संगत जी जदों असी एको अहंकार तो लैके 18-10-20 तक गुरु की बाणी नूं प्यार सहित पढ़ते अते विचारते हाँ,
सतगुरां ने जिते समुची लुकाई नू पावन उपदेश बख्शिश किया उते खास तौर ते मनुका नू उपदेश बख्शिश किया है, क्योंकि भगत कबीर साहब जी का फरमान है, कबीर मानस जन्म दुलंब है, होएड़ा बार है बार, ज्यों बन फल पाकै पोए गृह बौर न लागे डार। भगत जी कहते ने मनुखा जन्म दुर्लभ है, कठिन प्राप्त हुंदा। संगत जी, ये मनुखा जन्म वार वार सानू प्राप्त नहीं हुंदा, क्योंकि हजूर का प्रमाण है इतों छुटकिया ठौर ना पाए। बंदा इस डंडे तो डिग्या होया फिर किते भी थां प्राप्त नहीं करता। सतगुरु जी कहंदे ने इस पौड़ी ते जो नर चूके सो आए जाए दुख पाएगा। संगत जी, जेवे एक पौड़ी दे 84 डंडे ने, बंदा 83 डंडे चढ़ जाता है ते 84 डंडे तो ओदा पैर थिड़क जावे ते ओदा किते हाथ नहीं पैंदा। सतगुरु जी कहंदे इस तरह जिहड़ियां 84 लख जूना ने एक पौड़ी है, ते मनुका जीवन इस पौड़ी का आखरी डंडा है। संगत जी, जेड़ा मनुख इस मनुखा रूपी डंडे तो डिग पैंदा है वो फिर आउंदा जांदा दुख पाउंदा है। सतगुरु पातशाह जी ने सानू समझाया है, भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, अवर काज तेरे किता नाकाम मिल साध संगत भज केवल ना। ए मनुखा दे जिहड़ी सानू प्राप्त होई है, सतगुरु पातशाह जी कहंदे ने भाई ये मनुखा दे परमात्मा नू मिलन दी वारी है। लख 84 परमदियां दुलभ जन्म पाए होए, 84 लख जूना दा भ्रमण करदियां करदियां 84 लख जूना विच्चों दुर्लभ मनुखा देह ही प्राप्त हुंदी है। पर यह हुई कादे वास्ते? सतगुरु जी कहते गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, परमात्मा नू मिलन दी ये तेरी वारी है। पर बंदा मातलोक विच आउंदा है ते परमेश्वर इनू भुल जाता है। हजूर कहंदे ने विचों गर्भ निकल आया खसम विसार
दुनी चित लाया। ज्यों ही इहदा जन्म होया माता दे उदर तो बाहर मातलोक विच आया ते रोया। परिवार ने विचारिया भी इहनूं भुख लगी है। झटपट उन्होंने शहद के नाल उंगल भिओ के इहदे मूँह विच पाई ते सगे जी ओह लेव जिहड़ी माता दे उदर विच इहदी वाहिगुरू नाल जुड़ी हुई सी ओह टुट गई। ते सतगुरु जी कहिंदे दुनी चित लाया, हुण दुनिया नाल चित लग गया। पहले प्यार लगा तण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भइया भाभी बेब, चौथे प्यार उपरनी खेड, पंजवें खाड़ पीयण की धात, छेवें काम न पुछे जात, सतवें सज किया करवास, अठवें क्रोध हुआ तनास, नावें धावे उबे सह, दसवें दद्दा हुआ स्वाह, गए से गीत पुकारे ता। संगे जी सतगुरु जी कहते विचों गर्भ निकल आया, खसम विसार दुनी चित लाया। दुनिया नाल चित लग गया। पहला मां बाप की कबर हुई, पहला फिर मां बाप की कबर हुई, फिर भैन भरावां दी, फिर मन विच चाओ पैदा होया खेडण दा। इउं दुनिया दे नाल इहदा जिहड़ा चित सी उह लग गया। पर जिस प्रयोजन वास्ते, जिस मकसद वास्ते यह जीव मनुखा देही लै के मातलोक विच आया सी, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਪਾਂਚ ਬਰਖ ਕੋ ਅਨਾਥ ਧਰੂ ਬਾਰਕ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਅਮਰ ਅਟਾਰੇ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਧਰੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸਾਖੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ, ਉਮਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਤੇ ਆਵੀ ਪਕੌੜ ਵਾਲਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਵੀ ਪੱਕ ਗਈ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ। 12-1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ TV ਸੀ ਜੀ, ਉਹ TV ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ।
जिस मकसद वास्ते असी आए सना जेड़ा साडा प्रयोजन से वो साडा सुत्या ही लंघ जांदा। 8-9 बजे उठते हैं, चाह का कप पी के कारोबार से तुर जाने। सच्चे पातशाह जी कहते नहीं, ये तेरा मकसद नहीं, तेरा मकसद है गोविंद मिलन की, ये तेरी बरी आ, ये तेनू वारी मिली है, समा मिलिया है, टाइम मिलिया है परमात्मा नाल मिलन वास्ते, एक मिकोण वास्ते। अवर काज तेरा किता नाकाम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सवेर तो लैके शाम तक जेड़े तू होर काम काज करदा है, ये तेरे किसी भी काम नहीं, इको ही एक तेरा काम है जेड़ा करन वाला पर तू करदा नहीं। वो काम की है जी? सतगुरु जी कहते मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत नाल मिल करके केवल वाहेगुरु दे नाम दा भजन कर, सिमरन कर। मनुखा देह दी महत्ता यही है जी। गुरबाणी विच आयो सुणन पढ़न कौ बाणी, नाम विसार लगे अन लालच, बिरता जन्म पराणी। सच्चे पातशाह जी कहते ने यह पुराणा भारी जीव, ये मनुख तू मातलोक विच बाणी पढ़न वास्ते, बाणी सरवण करन वास्ते आया है, पर तू होर कम्मां दे विच लग करके अपने जन्म नूं बेअर्थ ही गवारिया है। तेरी उम्र एवें बीतती जाती है, लाहे तो बगैर घाटे दे विच तेरी उम्र बीतती जाती है। सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने कि ये जिहड़ी देह है ना, इहनू देवते भी याद करदे ने कि महाराज कृपा करो ते सानू मनुखा दे ही बख्शिश करो, असी मनुखा दे ही विच आके अमृत वेले उठ के इशनान करके सिमरन करके बाणी पढ़ के पुन दान करके संगत करके सेवा करके अपने जीवन नू सफल करके मुक्त होई। देवते मुक्त नहीं गे, ताही हजूर ने कहा ने इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। ते सानू देह प्राप्त होई है, सतगुरु जी कहिंदे भाई इस देही नू ना आसे पासे ला के व्यर्थ ना गवा, जिस मकसद वास्ते तू आया है सिमरन भजन विच जुड़ के ते इहनू सफल कर। फिरत फिरत बहुते युग आ रहे हो मानस दे लही। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते ने एक जन्म की गल नहीं, बहुत युगों का भ्रमण करता रहो, बहुत युगों के भ्रमण तो बाद तैनू ये मनुखा देह ही प्राप्त हुई है। नानक कहत सिमरन की बरिया। सतगुरु पातशाह जी कहते भाई ये सिमरन का वेला है, तू वाहेगुरु का सिमरन कर। सिमरन क्यों नहीं करता? वाहेगुरु नू चेते कर। नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। ये वेला वाहेगुरु नाल मिलन का है, एक मिकोण का है, तू सिमरन क्यों नहीं करता? सिख धर्म के अंदर दो गुरसिखा का जीवन आता है, जिन्हों की उम्र केवल बराबर है। वो दो गुरसिख ने ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी, ते दूजे गुरसिख ने भाई तारू जी पोपट जी।
ये दोनों गुरसिख धन श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की चरण चरण में हाजिर हुए। जदों सतगुरु गुरु नानक देव जी जगत जलंधर उतारते हुए संगत जी भाई तारू कोवड़ जी दे लागे बन्ने गए, आसन लाया, अमृत वेले तीन पहर रात रहिंदिया आसा दी वार दा कीर्तन रब हो जांदा है। ते भाई तारू जी पोपट कर दस साल दी उम्र है। सतगुरु पातशाह जी ने वेख्या ते जदों आसा दी वार दा भोग पैंदा है ये बच्चा उठ के घर नूं चला जांदा। एक दिन सतगुरु जी ने कहा इहनूं रोक लिओ जे जावे ना। एक दिन गुरसिखा ने रोक लिया भोग तो उपरंत हजूर ने पुछया बेटा तेरी उम्र बड़ी छोटी है, इस उम्र के बच्चे तो सवेरे उठ सुते पे नहीं उठते ते तू पहर रात रहिंदी उठ के किवें दीवाड़ विच आ जांदा। आख्या सतगुरु मेरे बड़ विच वैराग पैदा होया है, मैनू मौत तो डर लगता है। सतगुरु एक दिन मेरी मां ने मैनू कहा जा गुवांडियां दे घरों अग लेके आ। मैं अग दा अंगियार लेके आया। मां मेरी कहन लगी अंगियार ठंडा हो रहा है, तू हुण निक्कियां निक्कियां लकड़ां कट्टियां करके ते अग बाल। मैं कहा मां पहला वड्डियां लकड़ां ला लवां। मां कहन लगी नहीं बेटा पहला निक्कियां लकड़ां नूं अग लगेगी ते फिर वड्डियां नूं लगदी है। महाराज उदों मेरे मन विच वराग पैदा हो गया कि मौत पहला छोटियां नूं ही खड़दी है, वड्डियां नूं बाद विच ले जांदी है। सतगुरु पातशाह जी दे चरणां विच जदों उहने इह सारी आपदे जीवन की कहानी दसी ते संगत जी हजूर ने पावन उपदेश दिता, उपदेश दे के गुरसिक्खी दे नाल जोड़ दिता, इह आपदा जीवन सफल करो। भाई तारू जी पोपट जिन्हां ने लाहौर दे विच इक समय लगी हुई अग विचों अनेक जीवां नूं बचाउणा कीता सी। और दूजे गुरसिख ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी उन्हां दी भी उम्र इन्नी की है 10 साल की, जदों रामदास की धरती ते मिलाप होया सतगुरां नूं दुध छकाया, आख्या महाराज मैनू नाम दान बख्शिश करो मैनू मुक्त कर दिओ। सतगुरु जी ने पुछया तुहाडा नाम की है, कहण लगा मापिआं ने बूढ़ा रहिआ। महाराज जी कहिंदे गल्लां तूं बुढ़िआं वर्गीआं करदा, उम्र तेरी बड़ी छोटी है ते तेनू मुक्त होण दा किधरों चा चढ़ गया। कहण लगा सच्चे पातशाह एक वारी फौजां आईआं ते उहनां ने साडियां फसलां जिहड़ियां सी ना ਉਹ ਕੱਚੀਆਂ ਹੀ ਵੱਢ ਕੱਤੀਆਂ, ਉਜਾੜ ਕੱਤੀਆਂ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਿਆ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਦਸਾਂ ਨੌਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਕੋ ਫੱਕੜੇ ਸਭ ਮੁੱਕਦੀ ਚੱਲੀ ਐਣ, ਪੁਰਾਣੀ
तू आया ला लैण लगा कि तुक पकड़े सब मुकदी चली रह। सच्चे पातशाह जी कहते हैं प्राणा धारी जीव तू मात लोक विच ना नाम सिमरन का लाभ प्राप्त करना है ते तू भैड़े कम्मां दे विच लग के अपनी जिंदगी एवें बतीत करी जांदी एवें बतीत होई जांदी है। दिन ते पैर पैर ते करियां आप घटे तन शीजै काल अहेरी फिरै बदक ज्यो कहो कवन बिदकी। सच्चे पातशाह जी कहिंदे ने वेख घड़ियां पैरां ते दिनां दे हिसाब नाल तेरी उम्र घटदी जांदी है। संगत जी ये खिन खिण उम्र जिहड़ी है ना ये घटदी जांदी है पर जिहड़ा काल चकारी है ना वह मौत का जाल लेके तुरिया फिरदा है। ते भगत जी कहते दस ओहदे तो बचण दा की जतन करेगा किवें बचेगा तेरा ओहदे तो बचा नहीं हो सकता। जो दिन आवे करना कूच रहन तिर नाही संग चलत है हम भी चलना दूर गवन सिर उपर मरना। संगत जी जेड़ा दिन आउंदा है ना जेड़ा सूरज चढ़ता है वह अपनी मंजिल नूं तय करके अस्त हो जाता है। जेड़ा जीव जन्म लैके आउंदा है मनुक्का जन्म विच आउंदा है तो अपने सवासा की पूंजी नूं भोग करके आखिर चले जाता है। जे तो उन्हें अपने सवासा की पूंजी नूं गुरु की बाणी नाल जुड़ करके सिमरन भजन करके सेवा करके सफल कर लिया फिर तो इउं ज्यों जल मैं जल आए कटाना त्यों ज्योति सग जोत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सत कुरबान। फिर तो वाहिगुरु नाल एक मिक हो जाती आत्मा ते जे सिमरन भजन नहीं किया सारी उम्र वाहिगुरु नूं चेते ही नहीं किया ते फिर 84 लख जूना का भ्रमण करता है वक् वक् जूना का वक् वक् घर का भ्रमण करता है। संगत जी सतगुरां ने गुरबाणी विच जिक्र किया कई जन्म भय कीट पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर बिरक जोयो मिल जगदीश मिलन की भरिया चिरंकाल ए देस जरिया। ये मनुखा जीवन सानू बहुत लंबे समय तो बाद प्राप्त होया है और कई कई जूना दे विच असी भटकते रहे हाँ ते 84 तो बाद सानू ये मनुखा दे ही मिली है समा मिलिया है वारी मिली है। जिन्होंने सौ के गवाली वो तो फिर उस चक्कर च ही पैंदे ने जिवें कहते एक किला सी उहदे 84 दरवाजे सन ते संगत जी उहदे विच एक अन्ना टुंडा सिर तो गंजा आदमी सी वो किले विच प्रवेश कर गया हुण उहनूं राह नहीं सी लभदा उहदा एक दरवाजा खुला सी 83 दरवाजे बंद सन। उहने कूक मारी बाहरों किसी ने आवाज़ दित्ती कहण लगा जिहड़ा तेरा हथ साबत है ना उहदे नाल टोह के तू बाहर निकलिया इहदा एक दरवाजा खुला होया। वह जदों टोहदा टोहदा खुले दरवाजे दे गाड़ी आउंदा है उत्थे माखो दीआं मक्खियां लगियां होईआं ने माखो दीआं मक्खियां विच वजदा है मक्खियां सिर विच लड़दियां ने ते उह सिर विच खुरकण लग पैंदा ते फिर किले विच ही पौंदा रहिंदा। बस बंदे दी भी इही हालत है इह इक मनुखा देही दा दरवाजा खुला होया है बाकी 83 लख जूना 83,99,000 जूना दे दरवाजे बंद ने संगत जी ते जे वाहिगुरु दे सिमरन विच जुड़ करके इहदे विचों निकल गया ते निकल गया जे ना निकलिया ते फिर इहदे विच ही पौंदा रहिंदा। मनुखा देही बहुत दुर्लभ है कठिन है। संगत जी
सतगुरु रहमत करन इनू अजाई ना गवाई। ए तेरी अवसर ए तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार, अजे तेरे कोल समा है। जिवें सियाणे कह दिंदे ना वी डुल्लिया बेरां दा कुछ नहीं विगड़िया, डुल्लिया चौलां दा अजे कुछ नहीं विगड़िया, पर जदों हथों समा निकल गया फिर तू कुछ नहीं कर सकेगा, फिर तो तू पछतावा ही कर सकता है। सो सतगुरु कृपा करन, मनुखा देही दी महानता बहुत वड्डी है। संगत जी मनुख वड्डे वड्डे खूंखार जानवरों नू वस विच कर लैंदा है। इस करके हजूर ने कहा ना, अवर जोन तेरी पनिहारी, इस धरती में तेरी सिकदारी। ऐ बंदे तू इस धरती का सरदार है, बाकी सारिया जूना तेरा पानी भरन वालिया ने, वो तेरिया दासिया ने, तेरी सेवा करन वास्ते वाहिगुरु ने पैदा कीतिया ने, पर तू अपने मकसद नू अपने प्रयोजन नू ना समझदा होया उन्हां जूना तो डरी जाना है जिहड़ियां जूना तेरा पानी भरन वालिया ने। हुण कई मनुखां ने शेर वस किए हुंदे ने, कईआं ने हाथी वस किए हुंदे ने, कईआं ने सप वस किए हुंदे ने, ते सतगुरु जी कहिंदे जे तू एक वाहिगुरू नाल जुड़ जावे अपने जीवन नूं सफला कर लवे ते फिर सारी सृष्टि तेरे वस हो जाएगी। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां जी। सतगुरु जी दा कुटाण कोट शुकर, आप समुचियां संगतां दा बहुत बहुत धन्नवाद। श्री दरबार साहब जी दे मैनेजर सरदार बहाल सिंह जी, सो वो भी बघेल सिंह जी, वह भी पहुँचे ने। नाम सिमरन सत्संग दे वीर भाई जसवीर सिंह जी, भाई दविंदर सिंह जी, सरदार गुरबख्श सिंह जी, होर बहुत सारे गुरमुख प्यारे, सरदार राजेंद्र सिंह जी, सारे गुरमुख प्यारे सेवा करने वाले पहुँचे ने। सरदार शरणजीत सिंह जी जो दरबार साहब जोड़े कर दी सेवा भी करते ने, तो उतों के मुख सेवादार भी, वो भी संगत में सुभायमान ने। साढ़े सत्कारयोग संत बाबा कश्मीर सिंह जी भूरी वाले महापुरख, सत्कारयोग बाबा सुखविंदर सिंह जी भूरी वाले, समुची ये जथेबंदी कार सेवा वाले महापुरख, महापुरखा ने बहुत बड़ा सहयोग दिता। अज के दीवाना विच महापुरखा दीआं सेवावां भी बहुत चल रही, जिवें ज्ञानी जगदेव सिंह जी हैड प्रचार धर्म प्रचार कमेटी दरसा रहे सी आपां नूं भी बहुत सेवावां चढ़दी कला विच महापुरख करवा रहे। सारे महापुरखां दा, संगत दा, ज्ञानी जगदेव सिंह जी दा, सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवादी हाँ। अमृत छको, तैयार बर तैयार होवो, सौं के रातां ना गवाओ, सिमरन भजन विच जिन्ना भी जुड़िया जावे, जिन्नी वध तो वध बाणी पढ़ी जावे जरूर पढ़िया करो, ता कि भाई ये मनुखा जन्म जिहड़ा दुर्लभ है ये सफला हो जावे। सफल सफल भई सफल यात्रा, आवन जाण रहे मिले साधा। असीं यात्रा ते आए हां ते यात्रा साडी सफल हो जावे, इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। फिर सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। भाई कुलविंदर सिंह जी जिन्हां ने बहुत लंबा समा सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी विखे अरदासीए की सेवा निभाई, वह भी प्यार सहित संगतां विच आए ने जी आए। होर भी बहुत सारिया गुरमुख प्यारियां रूहां पहुंचियां, सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।